नमस्कार, मैं नीरज, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मेंटेन कैप्सूल्स के बारे में जानेंगे, इसका उपयोग, कीमत, खुराक, साइड इफेक्ट, टोटल जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मेंटेन कैप्सूल्स करके नाम आता है। ये 10 कैप्सूल होते हैं एक पत्ते में। इसमें लगभग 72 रुपये के प्राइस मार्केट में देखने को मिलते हैं। प्राइस यहाँ पे कम बेसी भी हो सकता है। सामग्री साल्ट यानी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ब्राही होता है और मंडूक पर्णी होता है। ये आयुर्वेदिक दवा है तो यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें ही होंगे। ब्राही में क्या क्या होता है, क्या क्या इससे लाभ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। डिप्रेशन को नियंत्रित करने में मदद करने वाली दवाएँ होती है। वे एजेंट या तत्व जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को बेहतर करता है। एजेंट जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है करते हैं और अवसाद व चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों में सुधार करते हैं। और मंडूक पर्णी की बात करें तो ये करते हैं, ये दवाएं तंत्रिका तंत्र पर अपने असर और उत्तेजित नसों को शांत करने के लिए उपयोग की जाती है। और ये दवा जो एजेंट जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट और उन्हें बढ़ाने से रोकता है और दौरे पड़ना कम करने वाली दवाएं होती है। और ये एजेंट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को उत्तेजित करते हैं, यानी इनका काम होते हैं। ये तो आप सामग्री साल्ट में देखें कि क्या क्या होता है। अब बात करते हैं इन दोनों दवाओं से मिलता है उसके बाद इसका उपयोग क्या क्या चीज़ में होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे याददाश्त खोना में इसका उपयोग होता है, मेमोरी लॉस में। ये क्या होता है, मेमोरी लॉस, याददाश्त खोना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, याददाश्त को अनुभव, विचारों, भावनाओं, उत्तेजनाओं, कल्पनाओं और ज्ञान की याद या स्मरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। याददाश्त की समस्याएं इनमें से कुछ या सभी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। कुछ याददाश्त की समस्याएं धीरे धीरे विकसित होती है जबकि कुछ अचानक ही हो जाती है। कुछ प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाती है और अन्य समस्याओं में याददाश्त धीरे धीरे अस्थायी रूप से खराब होती है। हमारे दिमाग को महत्वपूर्ण तथ्यों, भविष्य की योजनाओं, शब्दों व अन्य चीज़ों को याद रखना होता है। इन सब को पूरा करने के लिए मस्तिष्क सब जानकारी को स्टोर करता है और फिर जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो इसे प्राप्त कराता है। यानी याददाश्त खोने में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। याददाश्त यानी मेमोरी लॉस, आप कुछ भूल जाते हैं तो उसमें इस दवा का उपयोग करते हैं। थोड़ा बहुत भूलते हैं तो वहाँ पर तो नॉर्मली है, पर हर चीज़ को भूलते हैं वहाँ पर एक बीमारी हो जाती है, तब उसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। और इस दवा का उपयोग की बात करें तो डिप्रेशन यानी अवसाद में इसका उपयोग करते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, दुख या बुरा महसूस करना, दैनिक गतिविधियों में रुचि या खुशी न रखना, हम इन सभी बातों से परिचित हैं। लेकिन जब यही सारे लक्षण हमारे जीवन में अधिक समय तक रहते हैं और हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं तो इसे अवसाद यानी डिप्रेशन कहते हैं। यानी डिप्रेशन चिंता वगैरह ज़्यादा करते हैं तो उसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। बात करें साइड इफ़ेक्ट की तो साइड इफ़ेक्ट आयुर्वेदिक दवा है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट की समस्या इस दवा को लेने से आपको दिखता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा ना ले, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर आपके पूरी जानकारी लेकर ही दवा बताते हैं और आपके बारे में जानते हैं तभी वो दवा बताते हैं। बात करें चेतावनी की तो गर्भवती महिला में पता नहीं है कि इसे लेना है कि नहीं, इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। जो महिला बच्चों को दूध पिलाती है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और पेट पर क्या असर पड़ता है, तो पेट पर ये बिल्कुल सुरक्षित है, पेट पर कोई असर नहीं करता है। बच्चों के लिए भी ये पता नहीं है कि बच्चों के लिए हाई भी या नहीं। और बता दें ये शराब के साथ भी, ये पता नहीं है कि शराब के साथ इसे सेवन कर सकते हैं कि नहीं। अगर इस तरह से अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।